welcome to the world of English. Dear students, once again, I am here before you because I haven't been on the camera for a longer time due to some technical problems. So, for your service, I am here and I welcome you in the channel, the world of English. So, English में जब हम बात करेंगे तो mostly हमारे जो students हैं, they belong to rural areas and they prefer Hindi, English and Hindi. So, here मैं बात करूंगा आपसे कि English को सीखने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक बात आती है कि भाई English को सीखा कैसे जाए, किस तरह से, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करें, कैसे हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकें. हम लोग ग्रामर के ऊपर जोर देते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ते हैं और बहुत सी बुक्स जो हैं उसमें टिप्स दिए होते हैं, लेकिन उससे इंग्लिश बोलना जो है वो नहीं सीखी जाती है. इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश सिखाने वाला जो है वो हमारे फेस टू फेस बात करेगा, तब हम इंग्लिश सीख सकते हैं. इंग्लिश बोलने से सीखी जा सकती है, बल्कि उसको कहीं पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती है. सो सबसे पहले हमें इंग्लिश बोलने के लिए तो शब्दों का उच्चारण, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं या आरपी कहते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो ये प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस करना, वर्ड की आवाज निकालना हमें आनी चाहिए, उसके बाद हम इंग्लिश बोल सकते हैं. यस टू स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक द इंग्लिश, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलनी हमें, तभी हमारी इंग्लिश जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, लोग हमें जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं. दे विल कम फॉरवर्ड टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट इफ वी स्पीक इन अ गुड प्रोनाउंसिएशन. तो आजकल के लोग और आजकल का ज़माना जो है, इस दुनिया जो है, द वर्ल्ड जो डायनामिक वर्ल्ड है, न्यूक्लियर एज है, इसमें सर्वाइव करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन हुई है हमारी, और उसके उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें इंग्लिश बोलना वो जो है बहुत ज़रूरी है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है. तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शक, जो सुनने वाले लोग हैं वो थोड़े ध्यान देंगे और इस चैनल के जरिए आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया टिप्स दिए जाएंगे इंग्लिश के बारे में, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ए गुड प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल टिप्स और कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो मेन चीज़ें होती हैं वो समझाई जाएंगी कि इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज, ये बहुत बड़ी वास्ट लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आज का ज़माना जो है उसमें इसकी डिमांड है. तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब सब्सक्राइब कर